वाइटीवियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों कई दिनों से क्या हो रहा है, मैं सोच रहा था इन्वेस्टमेंट करने की, और जब मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी को चुना जैसे हमेशा चुनते हुए आया था, तो मैंने एफडी के जो करंट रेट्स देखे मार्केट में उनको देख करके मैं शॉक हो गया। एचडीएफसी बैंक के अंदर मैं अपनी एफडी अभी तक करता हुआ आया हूँ, तो मैंने एफडी का जो करंट रेट देखा एचडीएफसी बैंक में वो देखा 4.5%, लास्ट मंथ करवाई थी वो था 5.1%, और इससे लगभग 6-7 महीने पहले करवाई थी तो लगभग 6.7 या 8% की एफडी का रेट था, और उससे पहले मैंने करवाई थी तो 7.2 था। दोस्तों साल दर साल मैं देख रहा हूँ या ओवर द टाइम पीरियड ये एफडी का रेट जो है वो लगातार घटता चला जा रहा है। ऐसे में मैंने और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ब्लू चिप के अंदर, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इसके बाद मैंने और इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने पीपीएफ के अंदर, तो ऐसे कई जगह ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। लेकिन आज के सिनेरियो में जब हम लोग बैठे हैं जून 2020 में, तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जहां पर हमें एक अच्छा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल सके। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद एक इन्वेस्टमेंट की स्कीम मैंने पता लगा ली है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं आज एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन भी मैंने बना ली है। इसके बाद हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और समझेंगे इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम का नाम मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि POMIS। POMIS के बारे में सारी जानकारी हासिल करने के लिए आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम इंटरेस्ट रेट्स एंड फीचर्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। यह है डाकघर मासिक आय योजना POMIS, भारत सरकार द्वारा समर्थित छोटी बचत योजना है जो निवेशकों को हर महीने एक विशिष्ट राशि को अलग कर बचाने की अनुमति देता है। इसके बाद लागू दर पर इस निवेश में ब्याज जोड़ा जाता है और मासिक आधार पर जमाकर्ता को भुगतान किया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि POMIS जो है वो सरकार द्वारा जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, और जो भी निवेशक होता है वो इसके अंदर एक निश्चित राशि को जो है हर महीने जमा करता है, और जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो इसके ऊपर जो आपके डिपॉजिट पर जो मंथली इंटरेस्ट है वो आपके पोस्ट ऑफिस के ही बचत खाते के अंदर हर महीने जो है वो जमा करता चला जाता है, जिसको आप अपने मंथली एक्सपेंसेस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डाकघर की मासिक आय योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रभावी 1 दिसंबर 2011 से खाता खोलने की तारीख से योजना की मेच्योरिटी अवधि 5 वर्ष यानी कि 60 महीने है। इसकी मेच्योरिटी जो होती है इस के अंदर जो भी इस खाते में आप खोलते हैं उसकी 5 वर्ष होती है मैक्सिमम। POMIS अकाउंट को पर्सनल और ज्वाइंट अधिकतम 3 वयस्क एक साथ, जो 3 मेच्योर लोग हैं वो 3 एक साथ जो है वो इस POMIS अकाउंट को खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम ₹1,000 आपको जमा करना होगा। अकाउंट खोलने के लिए आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, कैश से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ज्वाइंट अकाउंट के मामले में जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक जैसा ही शेयर मिलेगा। नॉमिनी की भी सुविधा इसके अंदर उपलब्ध है। POMIS खाता को एक डाकघर से आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस बहुत ही आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में अधिकतम राशि जो है 5.5 लाख रुपए आप रख सकते हैं, इसके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है। इसके बाद 10 वर्ष या इससे अधिक का अगर कोई नाबालिग डाकघर मासिक आय योजना में खाता खोल देता है तो 18 साल के उम्र होने के बाद जो है उसका अकाउंट माइनर से निकाल करके एडल्ट के रूप में बदल दिया जाएगा। डाकघर पर क्रेडिट ECS CBS के जरिए मासिक आधार पर सीधे निवेशक के डाकघर बचत खाते में जो है इसका इंटरेस्ट हर महीने पहुंचाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था डाकघर मासिक आय योजना निवेश मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स छूट प्रदान नहीं करता, यानी कि टैक्स रिबेट में आप टैक्स की कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी जो ATC में आती है आपकी। डाकघर मासिक आय योजना के अंतर्गत खाता मैच्योरिटी के बाद 2 साल तक ब्याज कमाना आप जारी रख सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी के बाद 2 साल आप चाहें तो वहीं पर पैसा रख सकते हैं। आपको 2 साल तक जो है वो
ब्याज मिलता रहेगा यदि निवेशक द्वारा आय वापस नहीं ली जाती। लागू दर मानक डाकघर बचत खाते के समान ही होगी, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो हमेशा वैसा ही मिलता रहेगा आपको जो करंट है। क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पहचान पत्र के रूप में जो भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, पासपोर्ट है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इसको दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में सरकार द्वारा जारी किया गया जो भी आप बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर बिल है, उसको दे सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद वर्तमान ब्याज दर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें आप जो करंट जो पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाएं हैं उसमें क्या क्या ब्याज दर मिल रहा है आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है डाकघर मासिक आय योजना, उसमें अभी करंट जो इस क्वार्टर का रेट चल रहा है अप्रैल से जून में वो 6.60 चल रहा है। इससे पहले अगर आप देखें तो ज़्यादा चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ बैंक की एफडी के पर्पस में या कंपैरिजन में जहाँ पर 4.5 समथिंग कुछ दे रहा है, वहाँ पर 6.60 बहुत ही हैंडसम जो है वो इंटरेस्ट रेट है जिसको हम जाके जमा कर सकते हैं। मिनिमम राशि मैंने बताई आपको 1,000 रुपये, मैक्सिमम 4.5 है अगर आप इंडिविजुअल हैं और 9 लाख रुपए है अगर आप ज्वाइंट इसके अंदर कोई खाता खोल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, समय से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या क्या कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसकी मेच्योरिटी जो अधिकतम अवधि है 5 वर्ष है। इससे पहला पैसा निकालने पर कुछ नियम है, नियम क्या क्या है। खाता खोलने के 1 से 3 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो 2% आपका जुर्माना लगेगा, और खाता खोलने का अगर 3 से 5 साल में अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपका 1% जुर्माने के रूप में जो है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो ये जानकारी थी आपको जो मैंने POMIS के बारे में दे दी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जा करके अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। सेविंग अकाउंट खुलवाने के बाद आप इस POMIS के अकाउंट को खोल सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। लेकिन बात पते की यही है कि आज के टाइम में सबसे अच्छा यह है कि आप एफडी छोड़ करके, आप कोई म्यूचुअल फंड छोड़ करके इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा आपको ब्याज दर दिया जा रहा है, पूरी सेफ्टी है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जो स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इससे जुड़े हुए कोई भी अगर सवाल आपके रह जाए तो आप मुझसे जो है वो कमेंट करके वीडियो पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए YT भारत चैनल।